अब अपना देखते हैं अगला लेक्चर, ये लगभग लास्ट स्लाइड है और इसमें जनरली हम नीम और बम्बू को देख लेंगे। बकाया की जो रिमेनिंग दो तीन स्पीसीज बचेंगी या फिर आपकी जो सिलेबस में जो भी अदर स्पीसीज बचेंगी उन्हें केवल मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उनका कोई पर्पज़ नहीं बचता है। पर्पज़ मीन्स एक तो ज़्यादातर कुछ बहुत सारी तो स्पीसीज इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा ये है कि अगर आपको इन स्पीसीज का जिन्हें मैंने पढ़ा चुका हूँ अगर आपको इनका एक बेसिक आइडिया है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिनोलॉजी क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो एसोसिएट स्पीसीज हो जाती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका भी फिनोलॉजी आपको इजीली समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैंने अगर बाई चांस जो कुछ छूट रहेंगे क्योंकि टोटल 32 है, तो वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेसिक कवर कर चुका हूँ जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट रहे हो और आपको लगता है कि नहीं पढ़ लेना चाहिए, या स्पेशली जो 2020 में दे रहे हैं उन लोगों को पढ़ना है, तो वो केवल इतना ही करना होना कि इन स्पीसीज के साथ जो लास्ट में मणिकानंदन की जो सीट दी हुई है उसको भी वहाँ पर देख लें, तो बेसिक करेक्टर उन्हें वहाँ पता पड़ जाएंगे। ओके, तो पहले हम शुरू करते हैं नीम। एजाइल डायरेक्टा इंडिका, नीम ये फेमस क्यों है या हमारे एग्जाम में क्यों आता है, स्पेशली पुराने टाइम पे क्यों पूछा गया, क्योंकि नीम का एक बार वाला इशू था जो पेटेंट कर लिया गया था US में एक बंदे द्वारा। तो इस टाइप से जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक इशू था कि जो हमारे एंशियंट टाइम का नॉलेज है उसे आज वेस्टर्न कंट्रीज पेटेंट कर लेते हैं और हमारे ऊपर बोलते हैं कि भाई ये हमारा पेटेंटेड कंटेंट है, आप हमें इस पर टैक्स दो, यानी कि आपको उसका राइट का पे करना होगा। जैसे आप हम बबूल है या नीम है इसे हम एंशियंट टाइप से यूज करते आ रहे हैं, तो ये वगैरह राइट थे इसलिए इस पर थोड़े क्वेश्चन आ गए थे उस टाइम पे। हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाल फिलहाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने नीम कोटेड यूरिया पर बहुत फोर्स किया, तो वो पूरा यही है। ओके, इसके बारे में और आगे चलते हैं तब डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये है साइंटिफिक नेम एजा डायरेक्टा इंडिका। मैंने पहले बोला कि जब भी आप लिखोगे इसे अंडरलाइन करोगे। दूसरा फैमिली क्या है, मिलियासी, ये आपको एक टाइप से मिला था, गिफ्टेड था, गॉड गिफ्टेड है, मिलिया मिला। अब इसमें क्वेश्चन कैसे है, जैसे नीचे आप देख लो तो उसने क्या किया था, मिलियेसी और पेपिलियोनेसी सीधा फैमिली लिख दिया था, आपको किसी प्लांट का नाम नहीं दिया था। तो ऐसे केस में आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको फैमिली पता है तो आप उसे इजिली हैंडल कर लेते हो। जैसे पेपिलियोनेसी में क्या आ जाते हैं, सिंपल है, आपने डलवर्जी सिसु और डलवर्जी लेटिफोलिया को पढ़ा है। मिलियासी में क्या है, ये आ गया। ठीक है, अगर अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है पूरे में, साउथ ईस्ट एशिया मतलब पूरा का पूरा इंटायर इंडिया ले लो, म्यांमार से लेकर के थोड़ा साउथ ईस्ट उस रीजन में, तो ये काफ़ी बड़ा वाइडली है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अडेप्टेशन भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेशन होंगे। तो ये कुछ स्पीसीज ऐसी भी हो सकती हैं जो फ्रॉस्ट को हार्डी होंगी, जैसे कि मेरे यहाँ की हैं या अपने यहाँ की बोल सकते हो सेंट्रल इंडिया वाले, या फिर कुछ ऐसी हो सकती हैं जो फ्रॉस्ट टेंडर भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके जो बोल सकते हैं जो सब स्पीसीज बनती हैं वो कहीं ना कहीं लोकल के अकॉर्डिंग बन जाती है। ठीक है, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। अब आप अगर ये बोलते हो कि नहीं ये नॉर्थ में है तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो माता को मानते हैं तो साउथ वाले माता को नीम से बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब वो ग्रीन ग्रीन पूरा लीफ का यूज़ हो रहा है, मतलब तमिलनाडु में वो कल्चर है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये नीम पहले से है, उनके कल्चर में पहले से यूज हो रहा है, और चाहे आप कहीं भी चले जाओ जम्मू कश्मीर से लेके वहाँ तक, हाँ जो तराई रीजन है वहाँ पर थोड़ा बहुत नीम मिलता है, अदरवाइज जम्मू साइड में उधर नहीं ग्रो करेगा ये, लेकिन बेसिकली यूपी में तर ग्रो करता है तराई रीजन तक। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम इसकी फिनोलॉजी पे। तो फिनोलॉजी की बात की जाए तो ये लगभग नीम है वो ऑलमोस्ट ग्रीन प्लांट है। ऑलमोस्ट ग्रीन का मतलब जहाँ मीन्स मॉइस्ट लोकेलिटी है वहाँ तो ये ग्रीन ही है, एवर ग्रीन है, लेकिन कुछ जो ड्राई लोकेलिटीज़ है वहाँ पर ये कभी कभी लीफ शेडिंग करता है, खासकर मार्च अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, स्पेशली जो मेरा चंबल का रीजन है यहाँ पर वो लीफ शेडिंग कर देता है मार्च अप्रैल, मीन्स मार्च अप्रैल मीन्स जो अपना फागुन है, क्या बोलते हैं, जो होली का टाइम है उस टाइम पर नीम में लीफ शेडिंग हो चुका होता है। दूसरा उसी टाइम पे यहाँ पर हो रही होती है इधर फ्लावरिंग, तो पूरा का पूरा नीम जो होता है वो
पत्ती झड़ चुकी होती है और पूरे पूरे नीम में फ्लावरिंग फ्लरिंग करके वो पूरा व्हाइट या थोड़ा हल्का जो येलोइश टाइप के जो फ्लावर होता है, तो पूरा नीम का बिल्कुल कलर चेंज हो चुका होता है। फिर अब अगर इसकी फ्रूटिंग की बात की जाए, तो हमारी जो रेनफॉल है, मानसून है, मानसून से कुछ ही दिन पहले इसकी पॉड जो है, जो पॉड नहीं बोल के, इसका जो सीड्स है वो नीचे टपक जाते हैं। सीड एक्चुअली होता है पल्पी, उसके सराउंडिंग का। तो जब जैसे ही मानसून आता है, तो एक्चुअली इसका पल्प जो होता है वो होने लगता है फर्मेंट, तो इसकी एक अजीब टाइप की स्मेल आती है, ठीक है। तो उसकी दुर्गंध बोल लो, क्योंकि इसमें क्या है, एजाइड डायरेक्टिन जो केमिकल है, इंसेक्टिसाइड है, वो तो है ना। तो वो जब इस टाइप से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो निकलेंगे, वो दुर्गंध देंगे, तो ये जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। ओके, इसके बाद रही बात सीड जर्मिनेशन की, तो क्योंकि जैसे ये गिरा मानसून से पहले, इसने सीड टपका दिए, तो मानसून आया, सीड जर्मिनेट हुआ है। तो ये इसकी फिनोलॉजी हो गई कि फ्लावरिंग कब हुई, फ्रूटिंग कब हुई, ठीक है। अब मुद्दा देख लेते हैं सिल्वीकल्चर का, सिल्वीकल्चरल कैरेक्टर की। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रॉस्ट और फायर लगभग सेंसिटिव है, ड्राउट को भी लगभग हार्डी है। इसलिए तो ये फ्रॉस्ट, फायर और ड्राउट इतना हार्डी है, तभी तो इतने बड़े एरिया में हो पा रहा है, अदरवाइज नहीं हो पाता। सॉयल बोला जाए तो सभी का भाई, इतने एरिया में इसी एक ही टाइप की तो सॉयल हो नहीं सकती, सभी मिलेंगे। अब मुद्दा आता है लाइट का, तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि सेट डिमांडर बहुत कम होते हैं, मेजोरिटी लाइट डिमांडर होती है। और इसकी लीफ अगर देखी होगी तो वैसी काफ़ी मीन्स छोटी नहीं है, ठीक ठाक एक मीडियम साइज की है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइट डिमांडर रहेगा। नेचुरल रीजनरेशन बोले तो सीधा सीधा सीड से हो रहा है। और अब बात अगर आर्टिफिशियल की हो, तो हम एक तो सीधा मेथड है अपने पास सीड, ठीक है। दूसरा इसके साथ हम करते हैं स्टम्प प्लांटिंग। स्टम्प प्लांटेड को कभी कभी रूटेड रूट शूट कटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि स्टम्प में क्या होता है, 20 से 22 सेंटीमीटर होता है रूट का पार्ट, और दो दो 3 सेंटीमीटर का पार्ट होता है स्टेम का। तो रूट शूट कटिंग मतलब स्टम्प, तो जनरली क्या होता है 1 ईयर ओल्ड, क्योंकि वो 1 साल तक थोड़ा काफ़ी मोटा हो चुका होता है। और स्टम्प प्लांटेशन क्यों किया जाता है, एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न भी देखो, स्टम्प जो है उसमें काफ़ी अच्छा फूड स्टोरेज पहले से है। तो जब आपने स्टम्प प्लांटेशन कर दी, तो जो स्टम्प है नीचे वाला रीजन, वहाँ से तेज़ी से रूट ग्रो करेंगी, अगर फेवरेबल सीजन मिल जाएगा, और लीफ से ऊपर से कुपाई से मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर आप सीड लगा करके उसको ग्रो करने में दूसरों का कंपटीशन ज़्यादा है, तो उसके फेल्योर होने के चांस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू स्टम्प, क्योंकि इसके पास पहले से कुछ रिजर्व है। सीड के पास रिजर्व नहीं होता, तो उसे तो कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस करना होता है, फूड बनाना होता है, और फिर कंपटीशन करता है दूसरों के साथ। इसके पास पहले से कुछ है, तो ये कंपटीशन में थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, प्लांटेशन जनरली जो स्पेसिंग है नीम की, वो 5 बाय 5 बाय 5 मीटर करते हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा नीम की प्लांटेशन की गई है, वो की गई गुजरात में। या ये बोलो कि ये गुजरात आज में नहीं की गई, ये पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन नीम की वहाँ की जा रही थी, मतलब जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी। एक्चुअली ये सबके पीछे रीजन क्या था, वो था फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड थी, और उसकी फुलफिल के लिए गुजरात में नीम की प्लांटेशन की गई, ठीक है। तो आज जो नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा सप्लायर गुजरात है उसके नीम का। अब देखते हैं यूज। तो पहला तो हम देखते हैं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल देखें तो ये साफ़ी जो आती है, यूनानी मेडिसिन है, ये लगभग नीम का बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें होता है, पका के। तो नीम को बहुत सारे आपको यूज़ पहले से पता है। दूसरा, अगर इंसेक्टिसाइड का बोलें, तो जो नीम की निवाली होती है, उससे एक ऑयल निकलता है, उसमें के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उनमें से होता है जैसे अजा डायरेक्टा इंडिका है, तो उससे निकलता है एक अजा डायरेक्टिन। दूसरा होता है निम्बिसाइड। ये जो निम्बिसाइड है, ये है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, इसलिए हम तो इसीलिए हम इसको जनरली जो एंटी इंसेक्टिसाइडल जो यूज करते हैं, या नीम की जो निवोली है उसे पेर करके क्या करते हैं, जो लोग सस्ते लेवल पर काम करना है, निवोली को कूट करके पीस करके खेत में मिला दिया, तो एक टाइप से इन्हें मैन्योर भी मिल गया, और दूसरा उसके साथ साथ क्या सॉल्व हो गई कि आपको इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी मिल गई। तो जो फंजाई और इंसेक्ट जो अटैक हो रहे थे आपकी नर्सरी में, जो डंपिंग ऑफ जैसे इशू हैं, वो भी सॉल्व होते हैं यहाँ से। तीसरा, अपना नीम कोटेड यूरिया तो बहुत अच्छी तरह से पता है आपको, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जो स्टम्प प्लांटिंग है वो किस किस में पढ़ चुके हैं।
ठीक है, शिशु है, एलबीजी है, नीम है, इन चार में पढ़ चुका हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि स्टेम प्लांटिंग केवल इन्हीं में की जा सकती है। स्टेम प्लांटिंग उस हर प्लांट में की जा सकती है जिसमें कुपाइसिंग पावर है। बट मुद्दा ये है कि स्टेम प्लांटिंग फेमस किस में है। फेमस है डलवर्जिया सिस्सू और ये अपना टीक, इन दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। रिमेनिंग के लिए करते भी हैं नहीं भी करते हैं, जैसे नीम का बोल दिया तो अब लिखा है तो पढ़ लो, अदरवाइज इसका होता क्या है, हम सीधा सीड उठा के लगा देते हैं, नर्सरी से सीधा नीम लगा देते हैं। ये स्टेम प्लांट जैसी बकैती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं, पढ़ना चाहिए ना। अब आगे चलते हैं। अब अगला अपना है बम्बू। बम्बू के बारे में अपन बेसिक आइडिया देखेंगे, तो पहले तो देखते हैं इसकी फैमिली क्या है, ग्रामनी या पोइसी। तो बम्बू है ग्रास, ठीक है। अब इसमें आप देखते हैं कि इशू क्या है। तो इससे पहले आपको कई क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि 5 या 10 बम्बू की स्पीसीज लिखो, मतलब स्पीसीज मतलब उनके साइंटिफिक नेम लिखो, उनका नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में बम्बू क्यों डोमिनेटेड है, ये बम्बू फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों है। इसे मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। तीसरा है जैसे 15वां क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर कैरेक्टर और नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था उसने, इसका डेंड्रोकैम्बियमस हैमिल्टोनी का। तीसरा आपसे 12th में भी सिल्वीकल्चर पूछ लिया था, किसका, बम्बू का पूछ लिया था, जस्ट उन्होंने बम्बू लिखा था, बम्बू स्पीसीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले से आया है, मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपसे साइंटिफिक नेम पूछे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है और उसका सिल्वीकल्चर या नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। आगे देखते हैं, तो आप पहले बम्बू को एक ब्रॉडली देखते हैं, फिर अपन स्पीसीज पे चले जाएंगे। तो ब्रॉडली देखा जाए तो बम्बू क्या है, ग्रास है, और ये पेरिनियल ग्रास है। पेरिनियल मतलब जो अपनी ग्रासेस होती हैं 6 मंथ में अपनी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट करती है, वहीं पर ये बम्बू है लगभग 1 साल। मीन्स मेरा गलत कहने का मतलब यह है कि ये 1 साल या 6 मंथ ना होकर के ये कर रहा है 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस टाइप की पेरिनियल हो गई। फैमिली क्या है, ग्रास की, ग्रामनी या पोइसी है। अब अगर यूजुअली देखा जाए तो बम्बू का जो स्टेम होता है, ये जिसे हम बोलते हैं कलम, CULM, वो यूजुअली होलो होता है, पोला होता है, बीच में छेद होता है। बांसुरी तो बम्बू की बनेगी, होलो होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी बम्बू होलो होते हैं, कुछ बम्बू हैं जो सॉलिड भी होते हैं, जिसे बोलते हैं डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस। देखो जो स्ट्रिक्ट बंदा है वो सॉलिड होगा तभी स्ट्रिक्ट हो पाएगा, तो डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस है, इसे बोलते हैं सॉलिड बम्बू, या इसे कभी कभी मेल बम्बू भी बोल देते हैं, ठीक है। इसे जो ग्रीन गोल्ड बोल देते हैं या गरीब गरीब का टिम्बर बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि सस्ता होता है और गरीब की औकात नहीं होती किसी बड़ी का, तो गरीब को झोपड़ी बनानी है, झोपड़ी के लिए वो टीक नहीं खरीद पाएगा, लेकिन बम्बू क्योंकि आसपास ग्रो हो जाता है तो अपनी झोपड़ी बनाने में बम्बू यूज कर लेगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं पूर्थमैन टिम्बर। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ अपने यहाँ लगभग 125 स्पीसीज है। अब बम्बू के बारे में जब भी आता था तो 2-3 टर्म बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उसमें होता है कलम, कलम्प, राइजोम और कलम सीड। अब इन एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर है एक बम्बू, तो बम्बू का जो स्टेम वाला पार्ट है, जैसे एक पेड़ का जो स्टेम होता है, तो इसका जो स्टेम वाला पार्ट है इसे बोलते हैं कलम, और इसके जो नीचे रूट वाला पार्ट है इसे बोला जाता है राइजोम। तो बम्बू का जो रीजनरेशन होता है वो जनरली इसी राइजोम के थ्रू होता है, राइजोम को काट करके लगा देते, तो ये रूट है जिसके पास फूड स्टोरेज रहता है, तो वहीं से नया स्टेम निकल आता है, मतलब नया कलम निकल आता है। लेकिन क्योंकि बम्बू जो होता है वो जनरली जब मैन एक राइजोम है, उसी राइजोम से बगल से एक दूसरा राइजोम छूट गया, तीसरा वहीं से निकल गया, तो इस टाइप से जो राइजोम इकट्ठे निकलते रहते हैं तो इनका एक गुच्छा सा बन जाता है, और जनरली इसी टाइप के गुच्छे में होते हैं, तो जो गुच्छा होता है उसे टर्म यूज किया जाता है क्लम्प। तो अक्सर जो कन्फ्यूजन है वो कलम और क्लम्प में होता है। अब आप अगर कन्फ्यूजन ना हो तो एक बात और देख सकते हो कि कलम है वो है 4 वर्ड का और क्लम्प है वो है 5 का। तो 4 का है मतलब वो सिंगल स्टेम वाला होगा, और 5 का है मतलब वो बहुत सारे स्टेम वाला, क्योंकि ज्यादा है। अब मुद्दा आता है सीथ का, यहाँ पर जो 5th टर्म था कलम सीथ। तो आपने देखा होगा कि बम्बू का जो स्टेम होता है उस पर उसकी जो पत्ती होती है वो उसी पे जो मेन स्टेम से की चारों तरफ लिपटी होती है,
एक टाइप से जो कलम के सीध है यानी कि जो कवर है लीफ का, वो एक्चुअली बम्बू की लीफ की मॉडिफाइड पार्ट है जो स्टेम से लिपटी हुई है। अब बम्बू के जैसे अपन पहले ये जो देख चुके हैं तो इन्हें एक एक करके और देख लेते हैं। तो पहली बात हम करते हैं राइजोम के। राइजोम नीचे वाला पार्ट है तो जनरली तो ये पूरा पूरा सॉलिड होता है, और इसमें आप देखोगे राइजोम में तो जो छोटी छोटी सल्क हैं और इनके बीच में जो नोड हैं, गांठ हैं जिन्हें बोलते हैं, वो बहुत पास पास होती है। जबकि अगर आप स्टेम को देखोगे तो इनके बीच की जो नोड्स हैं वो लगभग एक एक फिट, कई बार तो वो 1.5 फिट या 1-1 मीटर की चली जाती है। मतलब 1 मीटर के बाद फिर नोड आएगी, जो सबसे अपना जाइजेंटिया है उसमें लगभग 1 मीटर के बाद नोड होती है। लेकिन इसमें अगर राइजोम में देखा जाए तो बिल्कुल कुछ कुछ सेंटीमीटर पर, कई बार तो इतनी ज़्यादा क्लोज होती है कि उन्हें आप नेकेड आँखों से नहीं देख सकते। तो जनरली राइजोम के बारे में लिख सकते हो कि ये सॉलिड होता है और इसमें इंटरनोड बहुत छोटी होती है। तीसरा, ये हमेशा अक्सर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि इसे भाई नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है और ऊपर तो जाना नहीं है, तो फिर क्या ग्रो करेगा? हॉरिजॉन्टली करेगा, ठीक है। और ये अपना जो मेन स्टेम है जहाँ से ये राइजोम निकला, उसे थोड़ी जो नेक बोलते हैं गर्दन, उसके थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है, राइजोम नेक। अब अगर राइजोम को और देख लिया जाए तो राइजोम जनरली दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनके राइजोम जो है वो शकर बड़े बड़े बनाते हैं, मतलब राइजोम हॉरिजॉन्टली थोड़ी तेजी से ग्रो करता है। और दूसरा ऐसा होता है कि मतलब जो तेजी से ग्रो कर रहा है, मतलब उनकी जो गर्दन है, नेक है, वो बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, इसलिए इनके बीच में एक स्टेम, एक कलम और दूसरे कलम के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हैं, इन्हें बोलते हैं रनिंग बम्बू। यही बम्बू होते हैं जो शिफ्टिंग कल्टिवेटेड एरिया में बहुत तेज़ी से पोजीशन अपनी हैंड कर लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी नेक बड़ी होती है। दूसरा, जिनकी नेक छोटी होती है वो जनरली ज़्यादा लंबे नहीं जा पाते, वो जो मेन स्टेम है उसी के आसपास वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक टाइप से क्लम्प बना लेते हैं। तो इन्हें बोलते हैं क्लम्प फॉर्मिंग बम्बू, दूसरे को बोलते हैं रनिंग बम्बू। तो इस टाइप से राइजोम के दो टाइप हो गए। राइजोम के बारे में बेसिक आपको आइडिया हो गया। नेक्स्ट आता है कलम की बात की जाए, तो मैंने आपसे बोला कि यूजुअली कलम अपना होता है वो होलो होता है, लेकिन डेंडोकलेमस स्ट्रिक्टस, इसका कलम जो होता है वो सॉलिड होता है। अब आपको ये याद नहीं रखना कि किसकी हाइट कितनी है, कौन सॉलिड बम्बू है, कौन ये बम्बू है, कौन इस टाइप के कॉमन नेम आते हैं, ओके। बट यूजुअली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बम्बू है डेंडोकलेमस जाइजेंटिया, नाम में ही है, जाइजेंट मतलब बहुत बड़ा, ये लगभग 35 मीटर तक हाइट का चला जाता है। आप खुद सोचो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट कितनी होती है, जनरली 25 मीटर, और इसकी हाइट है 35 मीटर, मतलब इवन ये ट्री से भी ज़्यादा हाइट में ग्रो करता है। और अगर शॉर्ट की स्मॉलेस्ट की भी बोली जाए तो पिगमी, आपको वैसे भी अगर थोड़ा साइड में बोला जाए तो पिगमी एक जायरे बेसिन में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो छोटे छोटे आदमी होते हैं, मतलब जो बोले आधा आधा मीटर के होते हैं, जैसे अपने छोटे बच्चे होते हैं 2-1-2 साल के, इस टाइम मतलब 2-3 साल के, 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं, 4 साल के, ये जो अपने स्कूल है 6 साल के मान लो, सॉरी 6 साल वाले जो बच्चे होते हैं, जनरली आधा मीटर के या 1 मीटर से नीचे की हाइट होते हैं पिगमियों की। तो बस उसी टाइप का जो है वो ये पिगमी हो गए, ठीक है, अरुंडिनेरिया पिगमिया। बम्बू की जो जीनस है वो 3-4 होते हैं, एक डेंड्रोकैलेमस यूज किया जाता है, दूसरा बम्बूसा यूज किया जाता है, और तीसरा अरुंडिनेरिया यूज किया जाता है। अब अरुंडिनेरिया की बात की जाए तो ये बम्बू की ऐसी ऐसा जीनस है जो केवल हिमालयन रीजन में ग्रो करता है। कौन सा? अरुंडिनेरिया। तो चाहे अरुंडिनेरिया फलकाट आ जाए या अरुंडिनेरिया पिगमी आ जाए, ये सब के सब हिमालय में ग्रो करेंगे, ठीक है। फलकाटा है वेस्टर्न हिमालय में और ये पिगमियाँ ईस्टर्न हिमालय में, ओके। इसके बाद कलम सीत का मैं बता चुका हूँ आपको, चलो आगे चलते हैं। फ्लावरिंग की बात की जाए बम्बू की, तो बम्बू में दो टाइप की फ्लावरिंग होती है, एक होती है ग्रिगेरियस और दूसरी स्पोरेडिक। मैंने आपको बताया था पहले भी कि सपोज यहाँ पर एक आपने अपने एरिया में एक बम्बू प्लांट लगा दिया, उसका राइजोम, राइजोम से एक कलम निकला। अब उस राइजोम से बगल के राइजोम तेज़ी से निकले, अदर राइजोम, तो जो मैंने प्लांट की एज अगर 10 साल है तो साइड वाले प्लांट जो है उन वो भले ही 2 साल बाद ग्रो किए, उससे नया राइजोम निकला, लेकिन जीनोटाइप के हिसाब से तो उनकी एज उसी के मैन प्लांट वाली ही चलेगी, क्योंकि जीनोटाइप तो सेम है। तो इस टाइप से ये प्लांट अगले 25 साल तक कितना भी स्प्रेड हो जाए, पूरा पूरा जंगल खड़ा कर दे, लेकिन सबका जीनोटाइप सेम होगा।
इसका मतलब है कि जब इनमें फ्लावरिंग होगी तो सब में एक साथ होगी, और इसका रिजल्ट होगा कि जब फ्लावरिंग के बाद ग्रास क्या होती है, वो ग्रास जो होती है अपनी वो फ्लावरिंग करती है, और फ्लावरिंग के बाद डेथ हो जाती है। तो सेम वैसे ही बम्बू के साथ है, इनमें फ्लावरिंग होगी और इसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसी केस में जब बम्बू में फ्लावरिंग होती है तो पूरा पूरा जब जंगल एक साथ फ्लावरिंग करता है तो इसलिए हम बोलते हैं ग्रेगेरियस फ्लावरिंग। और जब फ्लावरिंग हुई तो पूरा पूरा डेथ होना है, जैसे ग्रास सूख जाती है वैसे ये हो जाती है। तो क्योंकि इसमें एक साथ होती है इसलिए इसे बोल दिया हमने ग्रेगेरियस, और ये थोड़ा फेमस हो गया है इस चक्कर में क्योंकि एक साथ डेथ होती है। अब एक और इससे अगर लिंक पॉइंट देख लें तो ग्रेगेरियस फ्लावरिंग के बाद जब बम्बू डेथ होगी तो उस रीजन के जो कैनोपी कवर वो थोड़ा घट जाएगा, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बोल देंगे कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर थोड़ी कम हो गई है। फॉरेस्ट सर्वे की ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें कुछ कॉजेज होंगे कि फॉरेस्ट कवर कम होने के या डिप्लीट होने के कॉजेज, उनमें एक ये भी लिख देते हैं ग्रेगेरियस फ्लावरिंग। क्यों? क्योंकि जहाँ होती है वहाँ बम्बू साफ हो गया, तो वो पूरा पूरा पैचेज जो हो गया 15-20 किलोमीटर स्क्वायर का वो पूरा साफ हो गया, तो एक वो कॉजेज हो जाता है कभी कभी डिफोरेस्टेशन का। हाँ ये बात अलग है कि वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा 2-3 साल में। दूसरा स्पोरेडिक का मैंने बता दिया कि अगर दूसरे जीनो टाइप वाले वहाँ पर आ रखें तो फिर वो तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे ना, वो तो अपने हिसाब से करेंगे। ओके, नेचुरल रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो किससे होगा? सीधा सा है, एक तो सीड से करते हैं, दूसरा राइजोम, इसमें अपना कोई हाथ नहीं है, वो खुद कर लेता है। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में एक तो हम जब उसमें ग्रेगेरियस फ्लावरिंग के बाद डेथ होती है तो हम वहाँ से सीड कलेक्ट कर लेते हैं। देखो ग्रेगेरियस फ्लावरिंग के बाद मेजोरिटी बम्बू की स्पीसीज हैं जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन सभी की नहीं, बहुत सारी स्पीसीज हैं 5-6 हैं जिनकी डेथ नहीं होती है, उनके नाम की यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है उनको, लेकिन उनकी डेथ नहीं होती है। बस ये याद रखना कि मेजोरिटी स्पीसीज की डेथ होती है। सीड आर्टिफिशियल की बोले जाए तो हमने सीड से कर लिया, दूसरा राइजोम से करता है तो हम भी राइजोम उसके खुद खोद के कहीं दूसरी जगह गाड़ आते हैं। इसके साथ साथ दो कदम काम और करते हैं, वो करते हैं कि हम बम्बू की कटिंग जो उसका कलम है उसके छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। और आपने उसके देखा होगा कि जो नोड होती है वहाँ पर जो नया एपिकॉर्मिक बड होती है उसके साथ साथ वहाँ थोड़ी थोड़ी सी रूट टाइप की उसे स्ट्रक्चर होती है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि उसके जो बम्बू का जो पीस है कलम है उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं, थोड़ा उसे हार्मोन वगैरह दे देते हैं, तो वो जो नोड है वहीं से उसमें रूट निकल आती है और एपिकॉर्मिक बड बड़ी होकर के प्लांट बना लेती है। तो इस टाइप से कटिंग से भी एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पूरा नीचे देखोगे आप कटिंग ही है। इसके बाद अपन देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग को यहाँ देखो, ये बंदा है। लेयरिंग दो टाइप से की जाती है, एक होती है एयर लेयरिंग, दूसरी होती है माउंड। एयर लेयरिंग का क्या है मतलब? हवा में कर रहा है, ये क्या करेगा यहाँ पर बम्बू का इसकी आउटर जो बार्क है उसे छील करके वहाँ पर मॉस चिपका देगा, जिससे वहाँ पर थोड़ा वाटर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बढ़ जाए और न्यूट्रिएंट हो जाए। तो क्योंकि ये बार्क निकाल दिया है इसने, तो जो इसका लीफ वाला पार्ट है इस ब्रांच का, वहाँ से जो फूड आ रहा होगा तो वो मेन स्टेम को नहीं जा पाएगा क्योंकि वो बार्क रिमूव कर दी, मतलब उसकी जो फ्लोएम है वो हट गया है। इस केस में वो वहीं इकट्ठा होता रहेगा और उसका रिजल्ट होगा कि उस जो फूड जो स्टोर हो रहा है उसमें होते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बनता है लीफ टिप, लीफ वाले रीजन में, शूट टिप में। तो जो ऑक्सीजन आएगा वहाँ इकट्ठा होगा तो वो उस रीजन में इंड्यूस करेगा रूट्स को। तो जैसे एक बार उसमें रूट्स बन गई, ये उसे अलग करके नया प्लांट बना लिया। माउंड लेयर में क्या किया जाता है, जैसे यहाँ एयर लेयरिंग में ऊपर है, अगर ये ब्रांच जो है स्टेम की, इसकी जो छोटी छोटी ब्रांच है, अगर ये ज़मीन के पास में है तो जनरली क्या करते हैं कि जो अपने एयर लेयरिंग की, तो ये मॉस ना बांध के उस ब्रांच को पकड़ के ज़मीन के अंदर से दबा देते हैं थोड़ा पार्ट, जहाँ से बार्क रिमूव किया, और बकाया का ऊपर रहने देते हैं। तो जैसे ही उसमें रूट बन गई उसका मेन स्टेम से कट कर दिया जाता है। ओके, अब देखें डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला अरुणीन एरिया तो पूरे हिमालय रीजन में है। इसके बाद आता है सॉलिड बम्बू यानी कि डेंडोकैलेमस स्ट्रिक्टस। ये स्ट्रिक्ट वाला बंदा है, तो एक तो सॉलिड है, दूसरा कहाँ पर है, पूरे पूरे जो नॉर्थ इंडियन के जो रेबांज फैल रखे हैं इनमें फैल रखा है ज़्यादा, लेकिन हालांकि ग्रो तो पूरे नॉर्थ में आसाम से लेकर के राजस्थान तक होता है, लेकिन ये रेबान वाले में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अदर बम्बू यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल कंफर्ट फील नहीं करते और ये स्ट्रिक्ट आदमी यहाँ पर ग्रो कर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जनरली ये मिल जाता है। तीसरा, अगर बम्बू सा बल्कुआ की बोल जाए
तो ये भाई यूपी बिहार वालों का ज्वाइंट वेंचर है। मेरे कहने का मतलब है बिहार और यूपी का जो ईस्टर्न यूपी है और बिहार का जो वेस्टर्न बिहार है, ये उस रीजन में ग्रो करता है, बम्बूसा बल्कुआ। तो यहाँ पर बी फॉर बिहार, बी फॉर बल्कुआ। ओके, इसके बाद देख लो बम्बूसा बम्बू, इसमें दो दो बार नाम में ही बम्बू है। तो ये लगभग हमारा जो सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन है, जो राजस्थान वाला रीजन है, इस रीजन में होता है। आपको कुछ बम्बू मिलेंगे, कटीले बम्बू, ये बम्बू, इन्हें इस टाइप के नाम पढ़े जाते हैं। अब आपको MCQ देना नहीं है, तो इन चीज़ों को कोई ज़्यादा पढ़ने की वही है, कॉस्ट बेनिफिट नहीं निकालता है, इसलिए बेटर है उन चीज़ों को छोड़ो, अपने कंटेंट पे स्ट्रिक्ट रहो, काम हो जाता है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सिल्वीकल्चर सिस्टम में मैंने लास्ट में कन्वर्जन के बाद एक टॉपिक है इसका, बम्बू का, आपने उसे पढ़ लिया होगा उम्मीद है। फिर भी यहाँ पर जस्ट थोड़ा एज ए रिविज़न यहाँ बता देता हूँ कि 3 साल की फिलिंग साइकिल चलती है, ठीक है। फिलिंग रूल क्या है ये पहले IFS में पूछ चुका है, मैंने यहाँ पर जस्ट इन्हें कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि मैं वहाँ भी एक बार बता चुका हूँ आपको फिलिंग रूल, उसमें कुछ है नहीं। ये फिलिंग रूल कोई टाटा कंपनी तो बनाए नहीं है कि MP में और UP में सेम हो, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से देख लेता है उन्हें। तो इनमें थोड़ा ऊंच नीच होती है, बट एक बेसिक ट्रेडिशन है। फिलिंग रूल का पर्पज़ ये कुछ रूल इस एक बना दिए जाते हैं जिससे जो काटने वाले हैं वो उसी को फॉलो करते हुए काटते हैं बम्बू का, नहीं तो उन्हें क्या है, कोई कोई सुनता सुनता है नहीं, फिर तो वो कुछ भी काट देते हैं, ठीक है। ओके, तो इन्हें एक बार पढ़ लेना। अब इसके बाद देखे जाए यूज के, तो बम्बू के तो दर यूज हैं, इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है अपने घर में जो भी है दुनिया भर का सब कुछ तो इसी से बना देते हैं, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा इसी का। हाँ, इसका पिकल अचार भी डाला जाता है, इसका जो सूट टिप होता है वो तो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसको ये पिकल में यूज करते हैं, सीड को खाते हैं भूंज के। हाँ, ये कहीं मैंने सुना था, याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं देखा था, शायद हैदराबाद के आसपास है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो वेजिटेबल बनाते हैं या कुछ लोग बिरयानी वगैरह बनाते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, नॉन वेज बनाते हैं, तो इस टाइप के क्या करते हैं, वो उन पीसों को या वेजिटेबल जो सब्जी बना रहा है उसको बम्बू के अंदर रखते हैं, उसे बंद कर दिया जाता है, और उसे सब उसमें जो फायर है उसमें अंदर कर दिया जाता है, तो बम्बू के अंदर ही रख रख के उसे पूरा बॉयल कर देते हैं। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा कि वो बम्बू की चाय बना रहे थे, मतलब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, चाय पत्ती दूध पानी जो भी है सब कुछ बम्बू के अंदर रखा, उसका टाइट कर दिया, क्योंकि उसका कलम जो अंदर से होलो है ना, तो उन्होंने सब कुछ कंटेंट उस होलो के अंदर भरा और इधर से डार्ट लगा दी, दूसरी साइड से दूसरी लकड़ी होती है जो उसके माउथ को बंद कर देती है, और उसे फिर झोंक दिया फायर में। कुछ टाइम बाद जो उसका टाइम पीरियड है उसके बाद उन्हें निकाला, तो अंदर से वो मिक्स हो चुका होता है, बॉयल तो हो ही चुका होता है, तो बम्बू टी के नाम से बता रहे। तो एक टाइप से एक नया इनिशिएटिव था, तो कहीं ना कहीं उसको यूज करते हुए वो अपनी इनकम बढ़ा रहे थे। हाँ, बम्बू को जोड़ सकते हो फार्मर की जो डबल इनकम करना है उससे भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सिल्विकल्चर ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। तो सिल्विकल्चर अगर आपको बात करना है तो सिल्विकल्चर के जो करेक्टर हैं कि क्या है, लाइट डिमांड है ये वो फलाना ढिकाना, तो आप बम्बू का डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप खुद ही देख लोगे। दूसरा है ब्रीफली डिस्क्राइब द सिल्विकल्चर स्ट्रक्चर एंड नेचुरल रीजनरेशन ऑफ डेंड्रोकैलेमस हैमिल्टनी। देखो, बम्बू की 125 स्पीसीज हैं, आपके सिलेबस में बम्बू स्पीसीज लिख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 150 पढ़ोगे, 125 पढ़ोगे। तो इसका तरीका ये है, मैंने आपको बम्बू का एक बेसिक बता दिया, आपको बस इतना याद रखना कि डेंड्रोकैलेमस हैमिल्टनी किस रीजन में ग्रो कर रहा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, किसी भी एक बम्बू को पकड़ लेना, लेकिन मेल बम्बू को नहीं पकड़ने का, स्ट्रिक्टस को, ठीक है। कोई भी नॉर्थ ईस्ट का पकड़ लो, मतलब मगर आप अपने दिमाग से रखो भाई बम्बू पूरे नॉर्थ इंडिया में उग रहा, बस ख़त्म काम, उसी के हिसाब से उसके जो करेक्टर होंगे वही इसके हैमिल्टोनी के होंगे, क्योंकि बम्बू के स्पीसीज बदलने से उसके करेक्टर नहीं बदल जाते हैं, बस केवल एक ही चीज़ बदलेगी, वो ये बदल जाएगी कि वो सॉलिड है या नहीं है, मतलब सॉलिड बम्बू है या होलो बम्बू है, या राइजोम पर कोई तुमसे पूछ नहीं रहा कि रनिंग है या कलम टाइप का, जब इन्हें नहीं है तो कुछ भी लिख दो, कौन सा टीचर ढूंढने जा रहा है। और एक्चुअली ये चीज़ें इतनी कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि बम्बू के जो स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ आपके यहाँ नहीं बैठे हैं, और मैं इस बात को दावे के साथ बोल सकता हूँ 99% टीचरों को खुद कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब मैंने उस पर काम किया है इसके बाद भी कन्फर्म नहीं होता कि कौन सी स्पीसीज स्प्रीडिंग टाइप की है कलम्प टाइप की है, तो ये नहीं हो पाता है, सबको इस चीज़ के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। ओके, अब इसी में देख लेते हैं स्ट्रिक्टस, यानी कि जो अपना
सॉलिड बम्बू था उसको। तो इसका पर्पज़ ये है कि एक आपको मॉडल टाइप का बता दें स्पीसीज, जैसे आपको हैमिल्टन ही आ गया, इसी की टाइप का किसी और स्पीसीज पे आ जाए तो आप किस टाइप से कर सकते हो। और वैसे भी आपके में मेल बम्बू जो है वो सिलेबस में भी है, तो आपको एक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो कि भाई ये मिडिल साइज का है, टफ सॉलिड है यानी कि टफ बम्बू है, कलम वगैरह के बाद में देख लोगे। ठीक है, जो मेन कैरेक्टर था कलम सबका ज्यादा, इसका जो सॉलिड होता है वो हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन आपको सब पता है, जैसे पूरे नॉर्थ में है तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो क्लाइमेट रेनफॉल टेम्परेचर वगैरह को इनको आप इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि कोई बहुत बड़ा वो नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं कि इनका हर एक का कुछ स्पेसिफिक हो। ओके, फिनोलॉजी क्या होगा, वही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, फिनोलॉजी में तो यही आएगा। तो आप जब इन इस टाइप के में आपको फिनोलॉजी लिखना है तो क्या करोगे, फिनोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट उसके बारे में लिख दो, फिर उसकी ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग लिखोगे। तो यूजली होता क्या है, पहले ये देखो बाम्बू में भले 25 साल बाद फ्लावरिंग हो रही हो वो मरेगा, लेकिन आपको ये तो पता है कि बाम्बू भले ही डेथ करे लेकिन उसने अपने यहाँ, जब यहाँ का है तो उसने अपने आप को मानसून के हिसाब से तो अडाप्ट किया ही होगा। मानसून के हिसाब से मतलब उसका जर्मिनेशन होगा जून जुलाई अगस्त में, तो जून जुलाई अगस्त में जर्मिनेशन होगा तो उसका फ्रूट की जो मैच्योरिटी है वो जनरली यानी कि फ्रूटिंग कब होगी, फ्रूटिंग होगी जून से पहले, मतलब जून से पहले क्या हो गई, मार्च अप्रैल मई जून, तीन 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 महीना लेते हैं ना, तो जैसे 4 महीने का मानसून है जिसमें वो जर्मिनेशन होगा तो उसके 2-3 महीने पहले उसकी फ्रूटिंग हो चुकी होगी। इसका मतलब उसके 2-3 महीने पहले उसमें फ्लावरिंग हो रखी होगी, बस हो गया काम अपना। ये नवंबर से लेकर फरवरी तक है, फिर वो मार्च अप्रैल से लेकर के ये जून तक हो गई, और फिर जून जुलाई से लेकर सितंबर तक जर्मिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देख लें सिल्विकल्चर कैरेक्टर क्या है, नेचुरल कैसे, आर्टिफिशियल कैसे, यूजेज क्या है, तो ये सब कॉमन है जो बम्बू वाला मैं पहले बता चुका हूँ वही है। अब इसमें एक आगे चलते हैं तो आपको 2-3 स्पीसीज और मिलेंगी, जैसे एक है लेजर स्ट्रोमिया लेंसियोलाटा। पहले लेजर स्ट्रोमिया लेंसियोलाटा के बारे में सुनते हैं, इसके 2-3 और सब स्पीसीज मिलेंगी। लेजर स्ट्रोमिया फ्लोरेंस समथिंग इस टाइप की है, ये एक स्पीसी जो है लेजर स्ट्रोमिया की वो महाराष्ट्र की स्टेट ट्री है। ठीक है, और दूसरा ये लेजर स्ट्रोमिया महाराष्ट्र में उसी की कुछ स्पीसीज मिलेंगी जो यहाँ पंतनगर यानी कि तराई रीजन में भी ग्रो करती है। तो लेजर स्ट्रोमिया पूरे लगभग ऑल इंडिया में है, मतलब पूरा नॉर्थ से लेकर सेंट्रल महाराष्ट्र और ये अपना जो कर्नाटक है वहाँ तक, ये इजली उड़ुपी वाले रीजन तक आराम से ग्रो कर लेता है ट्रॉपिकल में। इसमें बकाया के आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फिर आपको उसके बारे में बेसिक आइडिया हो गया। रही बात फिनोलॉजी की, तो वो जो इनका ट्रॉपिकल का है वही रहेगा, वैसे आप उसमें थोड़ा पढ़ लेना नोट्स में लिखा है, जिनमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। और इसके साथ एक और है कि मैंने एक आपके साथ एक फैक्ट शीट उस टाइप की समरी शीट लगाई भेजी है, इसी के साथ सेंड कर दी है, आप वहाँ पर इसके वीडियो के नीचे देखना, तो उसमें थोड़ा फिलअप कर लें इन चीज़ों को। पर्पज़ वही है कि थोड़ा कोई वेरिएशन हो तो आइडेंटिफाई हो जाए, अदरवाइज सब में कॉमन से चलेगा। तो कॉमन से चलने से क्या होगा कि आपको हर चीज़ को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉमन आइडिया से काम चल जाता है। दूसरा डायप्टेरोकार्पस स्पीसी, देखो डायप्टेरोकार्पस की फैमिली है साल की, तो डायप्टेरोकार्पस जो है ये उसी फैमिली के मेम्बर है, तो इनके सबके वो एक ही फैमिली के मेंबर इसलिए हैं क्योंकि सबके कैरेक्टर एक ही है। तो जैसे साल जो है पूरी पूरी नॉर्थ इंडिया में उधर आसाम वैली तक उधर पूरा होता है, वैसे ये डायप्टेरोकार्पस के है। ठीक है, बेसिक इसके कैरेक्टर पूरे साल के हैं, इसलिए फिर मुझे नहीं लगा कि इसको कुछ बताने की ज़रूरत है, जब आप उसमें नोट्स में भी पढ़ोगे बिल्कुल यही मिल जाएगा आपको। ठीक है, या और इसके अलावा जो कुछ अदर स्पीसीज रह गए तो उन पर मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं जितना मुझे बताना था या जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो अपना लगभग कवर हो चुका है। अब रिमेनिंग जो है जो 2020 का दे रहा है उनके लिए, जो नेक्स्ट इसी साल देने वाले हैं, मैं उनसे केवल ये बोलूँगा कि ज़्यादा बकैदी नहीं, हेडक नहीं लेने का, अपना अपना इतने से काम चल सकता बहुत है, क्योंकि खाली पीली की इतनी ज़्यादा स्पीसीज करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी बात, आपको एक बेसिक आइडिया अगर आपको स्पीसीज का वो आ गया तो केवल इतना देख लो कि जो बची हुई स्पीसीज है वो किस रीजन में ग्रो कर रहे हैं, बस जिस रीजन में ग्रो कर रहे हैं उस रीजन के जो दूसरी स्पीसीज है उनके साथ एसोसिएट होगी तो कैरेक्टर वैसे ही होंगे, बस खत्म हो जाता वहीं पर, उसके हिसाब से जोड़ कर लिख देना।
दूसरा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। अब अगर आप उससे देखो कि सिल्वीकल्चर, फिनोलॉजी, आर्टिफिशियल नेचुरल रीजनरेशन, ये सब उसी से हुई है। यूजेज देखो, किसी चीज़ को आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपके पास खाली पीली का टाइम है या एग्जामिनर के पास खाली पीली का टाइम है? तो आप स्पीसीज इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि या तो उसकी बहुत ज़्यादा टिम्बर वैल्यू है, जैसे कि चाहे टीक ले लो, साल ले लो, बम्बू ले लो, या उसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। सेंटेला मैलबा में चंदन बहुत कीमती है, एनर्जी से लेटिफोलियो जिसे अभी बोला, उसकी टिम्बर क्वालिटी है, तो इस टाइप की है। या फिर फ्यूल फूडर वाला इशू है, जैसे कि आपने अल्बिजे लीबेक और प्रोसेरा पढ़ा था, या आपने ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पढ़ा था, अकेशियन लोट का पढ़ा था, इनकी फूडर वैल्यू भी ज़्यादा है, तो इसलिए उन्हें पढ़ लेते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी में अपना नीम आ रहा है, ठीक है। तो बस ये कि इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार देख लेना। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप चैट कर लेना, कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आया तो सीधी सी बात है, कॉल कर लो। ओके, थैंक यू। यहाँ पर अपना इस चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया।